हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सीरीज चल रही थी हमारी डिबेंचर्स की, और डिबेंचर में आज हम अपने टॉपिक पे आ गए हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट की रेट ऑलरेडी प्रीफिक्स होती है डिबेंचर्स के साथ। ये आपको पता ही है कि डिबेंचर क्या कि एक रेट लगी हुई होती है जो फिक्स होती है, ठीक है। वो फिक्स रेट ही उसका इंटरेस्ट रेट होता है। डिबेंचर इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर आपके, ठीक है ना। है ना, इसके बारे में कुछ छोटी छोटी और पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब ये आवाम को क्लियर कर देते हैं। देखो, एक तो ये फिक्स रेट पर लगता है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डिबेंचर की फेस वैल्यू पर लगता है, फेस वैल्यू पर डिबेंचर्स की, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट हमेशा अगेंस्ट प्रॉफिट ही चार्ज किया जाता है। इसका मतलब कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है, है ना। कंपनी को इस बार लॉस हुआ है, प्रॉफिट है, डजेंट मैटर, इंटरेस्ट तो पेड करना ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, बात समझे बहुत ध्यान से, अगर कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर्स इशू किए गए हैं तो इंटरेस्ट पेड नहीं होगा, नॉट पेबल, इंटरेस्ट पेबल नहीं है यहाँ पर, राइट। चलते हैं आगे। डिबेंचर इंटरेस्ट लास्ट में, एट द एंड ऑफ द ईयर, डिबेंचर इंटरेस्ट को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि फाइनेंस अकाउंट होता है इसका, उसमें इसको ट्रांसफर कर देते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। सारा इंटरेस्ट जो होल ईयर का होगा उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। इतनी बात समझ आई, और समझो। एक्रूड यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो अक्रूड हो चुका लेकिन अभी तक उसका हमने पेमेंट नहीं किया गया है, है ना, पेमेंट नहीं हुआ है अगर, तो कैसे कैसे होता है, है ना। देख, अगर डेट्स अलग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, डेट्स अलग हैं इंटरेस्ट को देने की और अकाउंटिंग ईयर क्लोज करने की। जैसे हमें इंटरेस्ट तो देना है, जैसे हमारा 31 दिसंबर में देना है, और जो हमारा अकाउंटिंग ईयर तो 31 मार्च का होता है। अगर डेट डिफरेंट है तो फिर इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट आएगा, आउटस्टैंडिंग, अभी पेमेंट नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम उसके लिए, उसके लिए हम करेंगे, डेट्स आर डिफरेंट देन इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू इज क्रेडिटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। इस अकाउंट को, इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू, ये जो अकाउंट है इसको हम क्या कर देंगे, लास्ट में जाकर के इसको क्रेडिट कर देंगे। किस कंडीशन में, जब इंटरेस्ट की रेट और हमारा अकाउंटिंग ईयर, इन दोनों की रेट डेट में डिफरेंसेस होते हैं, तब तब इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है उतने ही अमाउंट्स, ठीक है ना। तो फिर 3-3 महीने का डिफरेंस आएगा ना, तो 3 मंथ्स का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कहाँ पर शो किया जाता है इंटरेस्ट अक्रूड इज शोन इन बैलेंस शीट, हेड आएगा कौन सा, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अगर इंटरेस्ट अक्रूड है कहाँ पर जाएगा, करंट लायबिलिटीज में, भाई अभी नहीं हुआ आपको आगे जाकर के पेमेंट करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी में डालते हैं। सब हेड कौन सा होगा, अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। हेड कौन सा होगा, करंट लायबिलिटीज, और सब हेड कौन सा होगा, अदर करंट लायबिलिटीज। किस कंडीशन में, जब अक्रूड इंटरेस्ट होगा तब। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब अभी पेड नहीं हुआ लेकिन हमें आगे पेमेंट करना होगा, समझ गए। चलो अब इसकी एंट्रीज की साइड चलते हैं। सिंपल एंट्रीज, एंट्रीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। सबसे पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, ठीक है। इसमें अभी हमने इसमें को टैक्स इसमें इग्नोर करना है, ठीक, टैक्स पे नहीं करेंगे। सिंपल सी एंट्री बनेगी, डिबेंचर होल्डर्स को हमें देना है ना, ठीक है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंटेबल टू डिबेंचर होल्डर्स, इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और डिबेंचर होल्डर्स में भी हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री, यानी और अगर TDS होता है तो, TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। ये टैक्स दिया जाता है, इंटरेस्ट पर आपको टैक्स पेड करना होगा, ठीक है। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो डिबेंचर इंटरेस्ट तो आई क्या, तो डिबेंचर होल्डर्स आ जाएंगे, यहाँ पर TDS और इसमें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये क्वेश्चन करा देंगे, सब क्लियर हो जाएगा। TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, रेट आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, आपको उसमें से कैलकुलेट करना होगा, लिख देना, ठीक है। पेमेंट करेंगे हम, यहाँ पर पेमेंट होगा तो डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, सिंपल।
ठीक है। अच्छा TDS को लास्ट में, यानी कि जब पूरा ईयर हमारा फिनिश हो जाएगा, तो TDS को हम किस में ट्रांसफर करेंगे? जितना भी TDS पेबल है, तो TDS डिपॉजिट इन गवर्नमेंट अकाउंट। भाई टैक्स किसे देते हैं? हम गवर्नमेंट को देते हैं, तो गवर्नमेंट अकाउंट में तो जाना है, तो TDS पेबल टू बैंक। समझ गए? इतना काम तो ये हो गया लास्ट में। अब लास्ट की बात आ जाती है, जो हमने इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये कहाँ जाता है, ये पॉइंट ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट लास्ट में, बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, सारे पूरे साल का इंटरेस्ट। अगर सिक्स मंथ में भी दे रखा है, तो सिक्स मंथ वो वाला, सिक्स मंथ ये वाला, दोनों हम सिक्स मंथ को एक साथ डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर इंटरेस्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट में हम यहाँ पर आकर के लास्ट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। बस इतनी ही एंट्रीज बनती है इंटरेस्ट की, इसके अलावा इसमें कोई भी एंट्री नहीं बनती है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं, बहुत अच्छा सा, तो वो आपको सारी चीज़ें इसकी क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन की साइड। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, अब हम उसको सॉल्व करते हैं, एक बार पढ़ के और बता देते हैं। 10,000 डिबेंचर्स 12% वाले यहाँ पे इशू किए गए हैं, डिबेंचर्स ऑफ 100 इज, डिस्काउंट भी है 5% का, रेडीमेबल है ना, और अच्छा इसको रिडीम भी करवा दिया हमने। 2015 में 2,000 डिबेंचर रिडीम हो गए, 16 में 5,000 डिबेंचर रिडीम हो गए, और 17 में 3,000 डिबेंचर्स रिडीम हो गए। इंटरेस्ट हमको पेबल करना है एनुअली। ठीक है, करेंगे क्या, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर हम डिबेंचर्स को इशू भी करा देते हैं। ठीक है, चलते हैं भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपना 1 अप्रैल, और ईयर हमारा हो जाता है यहाँ पर 2014। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम इशू करेंगे, तो बैंक कितने परसेंट वाले हैं, तो 10% अभी का एप्लीकेशन अलॉटमेंट, राइट। 10,000 के थे और 5% का, क्योंकि इस पर डिस्काउंट भी लगाया हुआ है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 9,50,000। ठीक है, चलो इशू की एंट्री अब बना दें यहाँ पर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू, कितने परसेंट डिबेंचर्स है, 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ये कितने का हो गया, 10,00,000 का, और इस पर हमारा यहाँ पर डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स यहाँ बीच में लिखते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, राइट। ये कितने का हो गया हमारा, 50,000 रुपीज का, और 9,50,000 रुपीज का। ठीक है, बस ये तो हमारी इशू की एंट्री हो गई, यहाँ पर काम हमारा फिनिश हो गया। चलते, ये 1 अप्रैल को था 2015, 31 मार्च को क्या होगा यहाँ पर, अब हमको देना है यहाँ पर इंटरेस्ट, सही है। ठीक है, क्योंकि 31 मार्च के लिए बोला गया था। चलो पहले एंट्री बनाते हैं, अमाउंट डिबेंचर इंटरेस्ट। अच्छा, इन्होंने TDS के लिए कुछ बोला नहीं, तो TDS के लिए हम भी, जब तक TDS के लिए बोले नहीं, आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं देना, उसे आपको इग्नोर करना होगा, राइट। तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, टू डिबेंचर होल्डर्स, होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, अभी तक तो हमारे पास पूरे डिबेंचर्स हैं, और अभी हमने बताया भी था आपको, डिबेंचर्स इंटरेस्ट हमेशा उसकी फेस वैल्यू पर लगता है, फेस वैल्यू तो 10 ही लाख की है ना, 10 लाख का, और कितने परसेंट वाले डिबेंचर से हमारे 12% वाले हैं, ठीक है। कितने का हो गया, 1,20,000 रुपीज का, ठीक है। बस डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, अगर TDS होता तो इस 1,20,000 पर TDS लगाया जाता है, क्लियर है, जो इंटरेस्ट की अमाउंट आती है उस पर TDS काट दिया जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो सोर्स हमारा कितना हो गया, 1,20,000 का हो गया ना, यही हमारी डिबेंचर इंटरेस्ट है ना, इस पर लगा दिया जाता है। ठीक है, चलो डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक,
पेमेंट कर दो पूरा। और ये भी बताया था कि साल के लास्ट में इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी काम करेंगे। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है ये, इसे लिखना जरूरी होता है टू डिवेंचर इंटरेस्ट। ओके, ये हो गया हमारा बन गया 20,000। ये तो हो गई हमारी 15 में एंट्री फिनिश हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर गया, यहाँ रिडीम हो गए डिवेंचर नेक्स्ट में 2016 में। ठीक है ना, रिडीम होगा डिवेंचर 15 में, 31 मार्च को दो हज़ार के डिवेंचर्स को यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, रिडीम कर दिया। तो नेक्स्ट पर इसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, चलते हम आगे। इसको इतना हम इरेज कर देते हैं, तो क्लियर है इतनी बात, तो इसको इतना इरेज कर देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट 2016 की साइड। ठीक है, अब हमें यहाँ पर डिवेंचर का इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे, चेंजेस होंगे, फिर हम एंट्री बनाते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, अब ये कितने अमाउंट से होगा, डिवेंचर्स थे हमारे पास 10,000 थे ना। ठीक, 31 मार्च को 2000 डिवेंचर रिडीम भी हो गए हैं, इन माने कि इन डिवेंचर्स का पेमेंट हो गया। डिवेंचर्स कितने रह गए हमारे पास, सिर्फ 8,000। ठीक है ना, तो इस ईयर में कितने डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट लगेगा, सिर्फ 8,000 डिवेंचर्स का, माने कि समझ गए, है ना, क्योंकि 2000 डिबेंचर रिडीम हो गए इसलिए। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी डिबेंचर इंटरेस्ट 96,000। ठीक है, बस बाकी सब सेम डिबेंचर होल्डर्स। टू बैंक पेमेंट हो जाएगा, और इसको हम किस में ट्रांसफर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया 96,000। चलो, हो गए 16 की 31 मार्च में। अब चलते हैं 2017 31 मार्च। चलिए, और डिवेंचर रिडीम हो गए थे 3,000 और हो गए। ठीक है, डिवेंचर 8 में से और नहीं, 5,000 डिवेंचर्स कितने रह गए, 3,000 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 3 लाख का 12%। अब डिवेंचर इंटरेस्ट आएगा सिर्फ 36,000 रुपीज का। क्यों, क्योंकि 10,000 थे, 2,000 का पहले रिडेम्पशन हुआ, उनका पहले पेमेंट कर दिया गया, फिर 5,000 डिवेंचर्स को पेमेंट कर दिया गया। तो डिवेंचर हमारे पास इस वक्त कितने हैं, सिर्फ 3,000। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाई 100 3 लाख पर 12% लगेगा। अब ये लगेगा 2017 में। ठीक है, बिल्कुल सेम एंट्री सब सेम होंगी, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर्स
TDS होता तो इसी 36,000 पर TDS भी आ जाता, उतना अमाउंट पे काटने के बाद होल्डर्स को पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। और लास्ट आ जाएगा स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि फाइनेंस कॉस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट। आ जाता है यहाँ पर ये हमारा 36,000 रुपीज का, ठीक है। हो गए हमारे 3 years की कंप्लीट। उसके बाद तो डिवेंचर 3,000 रुपीज के ऑलरेडी पेड हो चुके हैं, तो डिवेंचर इंटरेस्ट की नीड नहीं रह जाती। तो ये था पूरा डिवेंचर इंटरेस्ट का आपका कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास लेकर के आएंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। जो लॉस होता है, डिस्काउंट होता है, उसको कंपनी किस तरीके से राइट ऑफ करती है। ये हमने बताया था आपको कि स्टार्टिंग से यानी कि शुरुआत से कंपनी अब उसको उसकी आप कह सकते हैं वो अरेंजमेंट करके चलती है हमेशा कि जो ये लॉसेस होंगे तो वो किस तरीके से उसको राइट ऑफ करेगी। नेक्स्ट वीडियो में आ जाते हैं और हम इसका ट्रीटमेंट अब आपको समझा देंगे। ओके चिल्ड्रन, इसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।